मैंने बोला हो स्पोकन लैंग्वेज का। खुशबू ही है क्या? मुझे लगा दूसरा कोई। एनीवन वाले का फ्रॉम बॉयज। हेलो सर। हाँ बोलो, नाम बताना। सर हितेश पाटिल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मध्ये छोटे छोटे टोकन्स असतात, टोकन्स पासून स्टेटमेंट बनतं आणि स्टेटमेंट मिळून प्रोग्राम बनतात आणि प्रोग्राम म्हणून मॉड्यूल बनतं, मॉड्यूल मधून सॉफ्टवेअर बनतं आणि आपली स्पोकन लैंग्वेज मध्ये कॅरेक्टर छोटे छोटे अक्षर असतात, अक्षरांपासून वाक्य बनतं, वाक्यांपासून परिच्छेद बनतो आणि परिच्छेदांपासून चॅप्टर बनतं आणि चॅप्टरांपासून पुस्तक बनतं। Can anyone tell me, यहाँ पे कुछ छूट गया है? It was my mistake. Something is missing here. What, sir? Okay. Is it correct now? एक लेवल छूट गया था. Okay. So you can take the screenshot. जो भी इम्पोर्टेंट चीज है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो. यानी आपको जब भी होमवर्क या कुछ असाइनमेंट दिया करूंगा तो आपको वो काम में आएगा. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन. नाउ टुडे बिफोर स्टार्टिंग आइडेंटिफायर, अभी दिख रही है. कितने लोगों ने लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था वो देखा? बाद में आई विल सेंड दी लिंक. फॉर रिवीजन. नाउ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल स्टडिंग आल्सो एंड व्हाइल वर्किंग आल्सो इन आईटी इंडस्ट्री और एट होम. If you are working for a particular programming language, always keep in mind every word in programming language has some meaning. Every word. It can be identifier, keyword, data type, constant, integer, variable, function, program, calling method, anything, anything. Always have a meaning. So, agar aap uska meaning nikaloge, किसी भी वर्ड का या किसी भी स्टेटमेंट का, तो आपको वो जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा समझ में आएगा. हेलो, समवन माइक इज ऑन, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट रिवाइज एवरी word has meaning. Please turn off your mic. Now, as I'm telling you, that everything has meaning. So can anyone split this word to get the meaning? ये जो word है identifiers, okay? ये जो word है identifier, इसको कौन split कर सकता है? कोई भी आपको जब तकलीफ होगी सीखने में programming language, तो उस word को या उस statement को split करना सीखना होगा. जैसे इस word को मैं अभी split करता हूँ identity. Okay. Now, can anyone tell me the meaning of identify? Find out. Find out. I can say no. For that, we are having word finding or find. Finding. Search. सर ये वर्ड है सर. हाँ बोलो आप. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. दैट इज नॉट द थिंग दैट यू हैव टू टेल इट बाय योर ओन स्टडी. सर आइडेंटिफाई मतलब किसी की पहचान बताना.
बराबर करेक्ट करेक्ट वेरी गुड सर ओळखणे बरोबर सर आयडेंटिफाय मीन्स टू रिकॉग्नाइज करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड सो वी गॉट द एक्चुअल सर्च भी आ सकता है ना सर नो सर्च यानी ढूंढना हमें ढूंढना नहीं जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे सामने अभी तीन चार चीजें पड़ी है तो मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है मुझे चीजें नहीं ढूंढनी जैसे मेरे सामने अभी मोबाइल स्पेक का बॉक्स वाटर बॉटल ये चीजें हैं सामने तो मुझे अगर किसी ने बताया इसमें से वाटर बॉटल कौन सी है तो मुझे वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए आई डू नॉट नीड टू सर्च इट गेट द मीनिंग ओके सर सो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफायर्स का काम क्या होता है जो भी उसका काम है वो आइडेंटिफाई करना नाउ वी लर्न आइडेंटिफायर्स इन सी सी Just give a minute. Give a minute. I think any student is calling me. Please wait. Hello. 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 Yes, sir. आवाज ब्रेक हो रहा है सर. Okay, so just wait, I will share the screen. Now is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. See identifier results. Yes, sir. अभी ये सब लोगों को पढ़ना है. I will ask meaning of this. Okay? Sir, PPT नहीं दिख रही है. पीपीटी नहीं आपको विंडो में दिख रहा होगा सी आइडेंटिफायर सर जस्ट गिव मी स्क्रीन वेट 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 कहीं जाना नहीं आपको पाक के दिख रहा है अभी नो सर आएगा आपका नेटवर्क स्लो होगा सो यू विल सी यस सर दिख रहा है सर क्लियर है नहीं सर वो दो दैट इज डिपेंड ऑन योर नेटवर्क दैट इज नॉट दिस दिसता सर क्लियर दिसते वेट फॉर अ व्हाइल डू नॉट मेक एनी हरी ओके सो सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट्स the name in C program for example variable function structure etc okay now I will break this line abhi study karte waqt aise hoga mere paas dekho study karte waqt mere book mein aisa likha hoga okay that C identifier something 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 aur aise do paragraphs hoge main kya karunga ye pura na samajhte hue na main yahan pe jo full stop hai uske baad mein usko break karunga काय केलं मी त्याच्याकडे नीट लक्ष द्या माझ्याकडे काय होता दोन पॅरेग्राफ्स होते ओके व्हॉट आय डीड विथ दॅट आय ब्रेक दीज पॅरेग्राफ्स इंटू सेंटेन्सेस ओके अभी देखो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था जस्ट कॉपी दिस नाउ प्लीज डू नॉट गो विद द एग्जैक्ट रिटर्न मीनिंग ओके इसको कैसे समझना है मैं बताता हूँ आपको
सर आवाज नाही येत तुमचा. जो वर्ड आपके मैच नहीं होता है ना. ओके यू डू हैव एनी प्रॉब्लम नेटवर्क? अदर पीपल आर गेटिंग माय वॉइस? ओके सो लेट्स सी आइडेंटिफायर्स को उसने क्या बोला है, अभिज्ञापक. ओके अब मैं इसको क्या करूंगा, ये छोड़ दूंगा. यानी यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको, सी आइडेंटिफायर्स सी प्रोग्राम मधील नावाचे प्रतिनिधित्व करतात. उदाहरणार्थ वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल. ओके जस्ट लिव इट. ओके ये ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, ये इतना ही समझना है. सी प्रोग्राम मधील नावाचे प्रतिनिधित्व करतात. ओके व्हाट इट मीन्स, द आयडेंटिफायर विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. फॉर एग्जाम्पल कि सी आइडेंटिफायर किसको बोलेंगे हम, वेरिएबल्स को बोलेंगे, फंक्शंस को बोलेंगे, एरेस को बोलेंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन. अभी ये चीज़ें आपको पता नहीं है, सो डो नॉट वरी अबाउट दैट. आई एम देयर फॉर टीचिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके यानी जो जो चीज़ें हैं सी प्रोग्राम के अंदर उनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर्स. और उसका काम क्या है, आइडेंटिफाई करना है. जैसे फॉर अभी नहीं आएगा हमको, ये देखो डेटा कीवर्ड वेरिएबल ये आएंगे, हम अभी सिर्फ इतना ढूंढेंगे कि सी आइडेंटिफायर्स क्या होता है, जो जो चीज़ें हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, इनको हम क्या बोलेंगे, सी के आइडेंटिफायर्स बोलेंगे. नो व्हाई वुड वी कॉल्ड इट एज आइडेंटिफायर, बिकॉज इट आइडेंटिफाई समथिंग. यानी कोई प्रोग्राम में अगर मैं बोलता हूँ कि ये फंक्शन है, तो मैंने उसको बोला कि इस प्रोग्राम में मुझे फंक्शन बताओ, तो वो आपको समझते आना चाहिए कि ये फंक्शन है, तो वो आगे हमें समझेगा. तो धीरे धीरे हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको समझेंगे. बट जस्ट स्टिल नाउ आपको ये ध्यान में रखना है कि सी आइडेंटिफायर क्या काम करते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आइडेंटिफायर्स का काम क्या है, देखो आइडेंटिफायर्स का काम क्या है, आइडेंटिफाई द थिंग्स प्रेजेंट इन द प्रोग्राम. के और उन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल, दीज थिंग्स. ओके तो वो कौन सी चीजें हैं वो हम बाद में देखें. नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कीवर्ड्स. अभी जैसे मैंने पहली बार बोला कि हमें आइडेंटिफायर को ब्रेक करना है, तो क्या है अभी हमारे पास और एक नया वर्ड है, कीवर्ड्स. अभी इसको मैं ब्रेक करूंगा, कीवर्ड. नाउ अभी इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं, वर्ड है उसके अंदर कुछ ना कुछ की है, की यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग है. गेट द पॉइंट, वर्ड है उसका कुछ मीनिंग है, दैट्स व्हाई इट इज आवाज ब्रेक होते सर. ओके आई एम रिपीटिंग. हो सर आवाज ब्रेक इज स्टिल, सो जस्ट फॉर अ व्हाइल आई एम चेकिंग द इंटरनेट.
हेलो यस सर यस सर ओके आवाज येतोय माझा हो आता येतो सर ओके फाइन ओके सम नेटवर्क इश व्हाट आई एम टेलिंग यू कीवर्ड्स सी प्रोग्राम मध्ये कीवर्ड्स असतात आता यांना आपण कीवर्ड्स का म्हणतो हम इनको कीवर्ड्स क्यों बोलेंगे बिकॉज सम की इज रिलेटेड टू देम की आणि चाबी की बात नहीं करेंगे हम इट इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग देन रेगुलर वर्ड्स ओके जैसे कीवर्ड्स कौन कौन से है वो जो मैंने अभी टोकन्स बोले थे आपको ढूंढने के लिए ये जो टोकन्स थे ये टोकन्स जो होते हैं जैसे इंट हो गया वगैरह वगैरह ये जो चीजें ना इनको हम क्या बोलते हैं कीवर्ड्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग में ओके टोकन एंड कीवर्ड लगभग सेम होते हैं स्लाइट डिफरेंस इज देयर दैट विल बी हेलो एम आई ऑडिबल यस 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 स्लाइट डिफरेंस है टोकन कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में तो वो हमें धीरे धीरे समझेगा अभी जो थेरेपी है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है जब हमारी प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो यू विल गेट दैट ओके अभी कीवर्ड के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ एवरी वर्ड हैज सम मीनिंग सो दैट्स व्हाई दैट वर्ड हैज सम फंक्शन रिलेटेड टू इट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीवर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बोलता हूँ समझ में आएगा तो ठीक हेलो एम आई ऑडिबल जैसे कीवर्ड कौन कौन से इंट वाइड डबल ओके इनको हम टोकन भी बोल सकते हो ओके तो ये जो चीजें हैं इनको हम कीवर्ड्स बोलेंगे अभी इनका जो मीनिंग है ना वो मैं बाद में समझाऊंगा अभी आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझेगा नहीं ओके सो जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है कीवर्ड्स यानी पर्टिकुलर वर्ड को कुछ ना कुछ मीनिंग है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीवर्ड ओके आइडेंटिफायर किस काम में आते हैं प्रोग्राम के अंदर चीजें आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं ओके तो ये जो चीजें आपको हिंदी मराठी इंग्लिश में लिख लेना है आपके जो भी नोट्स है मैं जो बोल रहा हूँ बार बार ओके मैं जो रिपीट कर रहा हूँ आपको समझना है ओके उसको कुछ मीनिंग रहेगा दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीवर्ड नाउ हेलो ऑडिबल यस सर ओके डेटा टाइप्स नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव गॉन इन अ रेस्टोरेंट You have ordered some सब्जीज एंड ऑल जो आपने ऑर्डर किया है और उसके बाद में आपको रोटी चूज करना है तो रोटी के अंदर आप क्या करते हो मेनू कार्ड में देखते हो मेनू कार्ड के अंदर क्या है फॉर एग्जाम्पल चपाती है नान है बटर नान है ओके फुल्का है और क्या होता है पराठा है भाकरी है ओके ओके फाइन 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 वी गॉट दी मल्टीपल ऑप्शंस नाउ इनको हम क्या बोलेंगे ये किसी चीज के अंदर लिखे होते हैं कैन एनीवन टेल मी उस मेनू का नाम क्या होता है मेनू कार्ड नो ओके ये ऐसे मेनू होता है सब मेनू वैसे ही आपका क्या होता है स्टार्टर होता है स्टार्टर के अंदर क्या लिखा होता है और क्या होता है स्पेलिंग गलत है शायद उसके ऊपर नूडल्स नूडल्स सर मसाला पापड़ ओके और फिंगर चिप्स बढ़िया फ्रेंच फ्राइज राइस राइस स्टार्टर में नो सर फ्रेंच फ्राइज ना फिंगर चिप्स और फ्रेंच फ्राइज
सर पोए काय पोहे बोल रहा है चलो बोलो और बोलो कुछ पोहा स्टार्टर में ना वो तो नाश्ता हो गया ब्रेकफास्ट हो गया वो सूप फ्रेंच फ्राइज चलो ब्रेकफास्ट के अंदर बोलो इडली डोसा वड़ा पाव ढोकला सांभर वड़ा ढोकला ढोकला इडली डोसा वड़ा और रस्ता पोहे समोसा खमन ढोकले कचोरी ओके फाइन ओके नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये क्या हो गया आपका एक टाइप हो गया ओके बेसिक टाइप और उसके अंदर आपके मल्टीपल टाइप्स हो गए ओके तो बात को समझो अभी ये किसकी बात कर रहा था मैं हम सिर्फ गए थे रेस ड्रॉ रन ओके स्पेलिंग गलत हो गया रेस्टोरेंट में गए थे हम उसके अंदर हमें ये सारे मेनू मिले सिमिलर टू दैट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर हैविंग मल्टीपल डेटा यानी जैसे मुझे कुछ काम करना है सॉफ्टवेयर में मुझे क्या क्या लगता है जैसे मेरा क्या हो गया रोल नंबर हो गया नेम हो गया एड्रेस हो गया आफ्टर दैट अपडेट हो गया ईमेल आईडी आधार कार्ड नंबर ईडी कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट नंबर ठीक 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 ओके फाइन वेरी गुड नाउ अगर मुझे ये सॉफ्टवेयर में चीजें डालनी है तो ये सारी चीजें मैं एक ही चीज में रख दूंगा तो वो मिक्स हो जाएंगी जैसे मैंने रोल नंबर भी एक टाइप पे लिख दिया मैंने नेम भी लिख दिया एड्रेस भी लिख दिया एक ही चीज के अंदर मैंने सब डाल लिया तो ये नहीं होगा जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ये जो सारी चीजें आपने मेन्यू कार्ड देखा आपको स्टार्टर ऑर्डर करना है और मैं स्टार्टर मैंने यहाँ पे इंडियन ब्रेड में लिख दिया तो आप ढूंढ सकते हो क्या उसको जल्दी ढूंढ तो सकते हो लेकिन जल्दी ढूंढ सकते हो क्या नहीं ऐसे मैंने कुछ मेनू ही नहीं रखा सब मेनू स्टार्टर ब्रेकफास्ट इंडियन ब्रेड कोल्ड ड्रिंक्स स्वीट्स ऐसे मैंने कुछ मेनू ही नहीं रखा तो मुझे वो चीजें बहुत सारी ढूंढनी पड़ेंगी ओके दैट्स व्हाई जो भी डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में रखने वाले होंगे हम वो डेटा को अच्छी तरीके से रखने के लिए उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए हमें उसको अलग अलग टाइप्स के अंदर रखना पड़ता है ओके आर यू गेटिंग मी जो भी डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में आएगा उसको मुझे सॉर्ट करना है क्या करता हूँ अलग अलग टाइप के अंदर लिखता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रोल नंबर अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं इंट डेटा टाइप नेम मुझे स्टोर करना है तो मैं कैरेक्टर में स्टोर करूंगा एड्रेस भी मुझे स्टोर करना है तो मैं कैरेक्टर में स्टोर करूंगा बर्थ डेट के पास मुझे डेट डेटा टाइप होगा ये मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा I'm not telling you that कि ये किसी प्रोग्राम जैसे C का है ऐसे नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बात करें ईमेल भी मुझे टेक्स्ट में आएगा आधार कार्ड में टेक्स्ट होता है नहीं तो मैं क्या करूंगा उसको डबल में स्टोर करूंगा क्योंकि अरे भाई बंदा कर रहा है यार कौन सा सर सो समझ में आ रहा है आपको डेटा टाइप का काम क्या है कैन एनीवन रिपीट इट गलत हुआ तो चलेगा डरना नहीं प्लीज आपके आजू बाजू में कुछ आवाज होगा तो माइक टर्न ऑफ रखो ये समझे आपको रेस्टोरेंट के अंदर हमें चीजों को मिक्स नहीं करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे उसको मेनू कार्ड में अलग अलग पार्ट में लिखेंगे वैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे बहुत सारा डेटा रखना है जैसे आप बोलोगे कि कॉलेज का सॉफ्टवेयर है कॉलेज के सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैंने रोल नंबर नेम वगैरह ये चीज़ें एक ही टाइप के अंदर रख दी तो वो मिक्स हो जाएंगी सारी इसलिए उनको डिवाइड करना है अलग अलग टाइप में रखना है दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ेगा उसको अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा
Now that why it is called as data types. अभी data types क्यों बोलेंगे? Software के अंदर क्या होने वाला है? Majorly. Can anyone repeat it? क्या होगा software के अंदर? Data. Data होगा. Data क्या होगा? वही roll number, name, age, marks वगैरह वगैरह. We'll call that as a data. और उस डेटा को हमें अलग अलग चीजों के अंदर रखना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप्स. डिड यू गेट इट? यस सर. ओके, जिन लोगों को समझा है ना वो मराठी या हिंदी में रिपीट करेंगे, यानी बाकी लोगों को भी समझ में आएगा वन बाय वन. सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? डेटा. और उसको हमें मैनेज करना है अलग अलग टाइप्स के हिसाब के, उसके हिसाब से. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ data type. Anyone can start. Marathi Hindi mein bolna hai. No one? I think you didn't understand then. Okay. Software. Yes sir. Chalo, main apne tarike se karta hu. I can sir. Just a minute. Software ke andar kya hota hai? डेटा. ओके, उस डेटा को हमें क्या करना है? मैनेज करना है. इसलिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा के टाइप्स. ओके, अभी अभी देखो इसको अच्छे तरीके से समझो और बता सकते हो. सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? डेटा होता है. उस डेटा को हमें मैनेज करना है, इसलिए हम क्या लेते हैं उसका, किसका हेल्प लेते हैं? हम डेटा टाइप्स का हेल्प लेते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज है. सॉफ्टवेयर के अंदर हमें रोल नंबर सेव करना है तो हम इस डेटा टाइप के अंदर लिखेंगे उसको. ओके, नेम के नेम स्टोर करना है तो किस में स्टोर करेंगे? कैरेक्टर्स. क्योंकि नेम में क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं ना. यस सर. ओके, एड्रेस में क्या होते हैं? कैरेक्टर्स और नंबर होते हैं. कैरेक्टर और नंबर्स होते हैं. ओके, नंबर्स. डेट में भी क्या होते हैं? टेक्स्ट और नंबर होता है. जैसे नंबर क्यों? 1, 2, 3 और स्लैश वगैरह या डैश यूज करते हैं हम, इस वजह से हम उसको क्या लिखेंगे. चलो अभी मैंने इजी कर दिया इसको. रोल नंबर किस फॉर्म में रखेंगे हम सॉफ्टवेयर में? You can repeat it after me. Roll number को किस form में रखेंगे? Number. Number. Number form में. Characters. Address के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? Characters. Roll number. Number. Correct. और क्या हो सकता है? Number. Numbers. Special characters भी हो सकते हैं ना कुछ. Special characters. Yes sir. चलो हम उसको छोड़ देंगे. Special character को हम character ही बोलेंगे. Okay, फिलहाल हमको अभी basic सीखना है. Birth date के अंदर क्या हो सकते हैं? Numbers और numbers. Okay, चलो और थोड़ा easy करते हैं. हम character के बजाय हम क्या करेंगे? Text कर देंगे. Okay, cast क्या आएगी? Cast को कुछ number नहीं हो सकता है ना. Entity 1, entity 2 हो सकता है. So we can say that text and number. Okay? होता है ना, आपको पता होगा ना, entity 1, entity 2 ऐसे types के cast के. That's why we can add it. Sir, email में भी तो number होता है. Sir, email में भी number होता है. हाँ, तो आएंगे. Email भी number आएंगे. Number होता है. Okay? Aadhar card के अंदर characters होते हैं, character या text? No, sir. Okay, that's why we can say that. नंबर. तो अभी हमारे पास, हमने जितना सीखा तो हमारे पास दो टाइप्स आ गए. कौन कौन से दो टाइप्स आ गए? नंबर टेक्स्ट. नंबर टेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे? डेटा के टाइप. ओके, डेटा टाइप. आर यू गेटिंग मी? यस सर. डेटा टाइप्स कौन कौन से हो गए हमारे पास अभी? टेक्स्ट और नंबर. नाउ Once again, I am repeating this. I am not telling you this. ये जो चीजें बता रहा हूँ ये किसी programming language के बारे में नहीं है. किसी यानी C, Java वगैरह, ये generalized programming language की बात कर रहा हूँ. Generalized programming language यानी वो PHP हो सकती है, Java हो सकती है, Android हो सकती है, C हो सकती है, C++ हो सकती है, ये सारी चीजें. ओके,
तो अभी इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से वापस। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। डेटा को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप्स यूज करते हैं। ओके, और अगर आप बोलेंगे सर फिर आप सॉफ्टवेयर के बारे में क्यों सिखा रहे हो, तो फिर हम ऊपर जाएंगे। ये देखो सॉफ्टवेयर ये क्या है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किससे बनता है, मॉड्यूल से। मॉड्यूल किससे बनता है, मॉड्यूल से। तो हमें क्या करना है, सी प्रोग्रामिंग सीखना है ना। यस सर। प्रोग्राम ये यहाँ पे होगा, सी दो तीन सी प्रोग्राम को मिला के क्या बनेगा, एक मॉड्यूल बनेगा, और दो तीन मॉड्यूल को बना के क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा। सॉफ्टवेयर के, सो डिड यू गेट दैट, हम सॉफ्टवेयर क्यों सीख रहे हैं या सॉफ्टवेयर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, डेटा होगा। डेटा को क्या करना है, मैनेज करना है, और वो डेटा को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेटा टाइप्स। वन्स अगेन आई एम रिपीटिंग, आता मराठीतून एक्सप्लेन करतो। सॉफ्टवेअर मध्ये आपल्याला काय लागणार आहे, डेटा लागणार आहे। डेटा काय करायचं आहे, आपल्याला मॅनेज करायचं आहे। सॉफ्टवेअर कशासाठी बनवलेलं असतं, डेटा मॅनेज करण्यासाठी, मॅनेज करण्यासाठी, बरोबर आहे ना। आता आधार कार्ड, आधार कार्डचं तुमचं सॉफ्टवेअर किंवा वेबसाईट बनवलेली, का बनवलेली आधार कार्डची वेबसाईट, आधार कार्ड जो भी एग्जाम्पल छोड़ दो। जैसे मेरे पास इंस्टीट्यूट में तुम सारे लोगों का डेटा है, सारे लोगों का डेटा, कि बी सी ए फर्स्ट ईयर, बी सी ए सेकंड ईयर, एम सी ए फर्स्ट ईयर, एम सी ए सेकंड ईयर, ऑल दिस थिंग्स, ये क्या किस फॉर्म में है, डेटा के फॉर्म में। इस डेटा को मुझे मैनेज करना है कि मुझे प्रिंट आउट निकालनी है अटेंडेंस की, मुझे मार्कशीट की प्रिंट आउट निकालनी है, मुझे फीस की प्रिंट आउट निकालनी है, कितनी फीस कितने बच्चे ने भरी है, कब उसने एडमिशन ली है, उसकी बर्थ डेट क्या है, वगैरह वगैरह। ये चीजें करने के लिए मुझे क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर। यानी समझो डेटा को मैनेज करने के लिए हमें क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा। और उस मैनेज करने के लिए हमें क्या, किसका सहायता लेनी होगी, डेटा टाइप की सहायता। ओके, सो प्लीज नाउ आई विल आस्क यू, वन ऑफ द स्टूडेंट प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मराठी हिंदी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। घाबरू नका, चुकणारच आहे। मी घाबरलो का स्पेलिंग टाइप करताना, नो। जसं माझं स्पेलिंग करेक्शन करण्यासाठी वर्ड कामात वर्डचा मी यूज करून घेतो, तसे तुमचे मिस्टेक सॉल्व करण्यासाठी, आपकी मिस्टेक करेक्ट करने के लिए मैं हूँ। वन्स अगेन आई एम रिपीटिंग, सॉफ्टवेयर कंटेन्स डेटा, एंड टू कंटेन और टू मैनेज दैट डेटा वी यूज डेटा टाइप्स। सर मैं, हाँ सर, कहना है सर, आई कैन सर, एक के बाद एक सर, हाँ बोलो सर। इन सॉफ्टवेयर देयर आर डाटा, एंड टू मैनेज दैट डाटा वी हैव वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट सम गर्ल इज आस्किंग, यस यस, डायरेक्टली स्टार्ट किया करो। अगर कोई अपने पहले शुरू कर देता है तो हमें स्टॉप हो जाना है। सॉफ्टवेयर में डाटा यूज होता है, उसको हम मैनेज करने के लिए डाटा टाइप का यूज करते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो आगे। आई कैन सर, आवाज येत नाही मला व्यवस्थित। आई कैन सर, डेटा टाइप का यूज। आई कैन, if you are getting someone voice before you, you can stop your whatever you are telling. ki agar aapko pehle kisi ki aawaz aati hai to aapko ruk jana hai, us bande ko complete karne do, fir aap shuruaat karo. Okay, in the software we have the data, and to manage the data we use data type. Okay, correct correct.
सॉफ्टवेयर में डेटा होता है और उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें डेटा टाइप्स की मदद लेनी पड़ती है। ओके ओके वेरी गुड। सॉफ्टवेयर में डाटा होता है, डाटा टाइप में मैनेजर होता है, फिर डाटा टाइप्स के मैनेजर को करने का। करेक्ट। मध्ये डेटा मॅनेज करण्यासाठी डाटा टाइप्स वापरतात। ओके व्हेरी गुड। आता मी थोडस याचे जे स्टेप्स आहे ना त्या चेंज करतो। ओके देन वी लर्न व्हाट वी कैन डू। ओके सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, पहले डेटा होना चाहिए। ओके फिर डेटा को मैनेज के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर किस चीज से बनता है? मॉड्यूल्स। ओके मॉड्यूल किस चीज से बनते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम किस चीज से बनता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट करेक्ट। और उन स्टेटमेंट के बीच में क्या होते हैं? डाटा। नाउ यू गेट द लिंकिंग। सॉफ्टवेयर का बेस क्या है? डेटा। ओके डेटा को मैनेज करने के लिए हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहाँ से बनता है? मॉड्यूल्स को मिला के। मॉड्यूल कैसे बनते हैं? प्रोग्राम से बनते हैं। प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होते हैं। और उन स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? डेटा टाइप्स आइडेंटिफायर्स। प्लीज टर्न ऑफ योर कि ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? स्टेटमेंट्स के अंदर होती है। डिड यू गेट दैट? या यस सर। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई टीच। मैं क्या करता हूँ, पहले छोटी छोटी चीजें सिखाता हूँ, फिर उसको कलेक्ट करके क्या बनेगा, एक बड़ा पार्ट बनेगा, उसके बाद उसका बड़ा पार्ट, फिर उसके बाद बड़ा पार्ट उसका बड़ा। यानी मैं पहले क्या सिखा रहा हूँ आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो जो छोटी छोटी चीजें लग रही है वो पहले हम समझेंगे, उन चीजों को फिर हम कलेक्ट करेंगे, उससे हमारे स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, स्टेटमेंट को मिला के हमारा प्रोग्राम बनेगा, फिर हम सीखेंगे कि प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। और ये सारी चीजें प्रोग्राम को मिला के हम क्या बनेंगे? मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल से हमारा क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर बनेगा। ओके तो हमें ये चीजें पहले, ओके ये चीजें हमें सीखनी है पहले, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड ऑल दैट थिंग। So, अभी इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। डेटा टाइप सीखना क्यों जरूरी है? ओके तो डेटा टाइप्स किस, डेटा टाइप्स आइडेंटिफायर और कीवर्ड से क्या बनता है? मॉड्यूल। ना ना मॉड्यूल नहीं बनता है, सॉफ्टवेयर। देखो ना स्टेटमेंट, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, इनको इनको मिला के क्या बनता है? प्रोग्राम को मिला के क्या बनता है? मॉड्यूल। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मिला के डेटा नहीं बनता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, सॉफ्टवेयर को बना के डेटा नहीं बनता है। सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं? डेटा को मैनेज करते हैं। चलो गाड़ी शुरू हो गई, स्टेटमेंट से बनता है प्रोग्राम, प्रोग्राम से बनता है मॉड्यूल, मॉड्यूल से बनता है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से बनता है डेटा। नो दैट इज नॉट द थिंग। सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं? डेटा को मैनेज। डेटा। नाउ ये जो चीजें देखो, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, असाइनमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है वापस। Variables, assignment, and all these things. ये सब क्या है? Programs के parts है। लेकिन वो उस program के पहले किसके part है? Statements के। So ये जो चीजें हैं बाकी बची हुई, variables, assignment, statement and constant, ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये सिखाने के बाद आपको बताऊंगा कि इसको हम variable बोलते हैं। So do not think that कि मैं पहले variable सिखाऊंगा, उसकी definition बताऊंगा, और उसके बाद मैं बोलूंगा
कि ये वेरिएबल है, मैं वैसे नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको अल्टीमेटली पहले सिखा दूंगा मेरे तरीके से और उसके बाद बताऊंगा कि इसको हम वेरिएबल कहते हैं. ओके, सो नाउ विल गो टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड, और नॉट वी कैन से फर्स्ट स्टैंडर्ड, हम बोलेंगे हम फोर्थ स्टैंडर्ड में जाएंगे. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हुआ है हमारा. यानी कैसे असाइनमेंट करते हैं. अभी इसका सोल्यूशन आपको नोटबुक लेना है, पेन लेना है और वन बाय वन आंसर बताना है. पहले मुझे लिख लेने दो, बाद में आपको उसको सॉल्व करना है. सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. यार ये शादी किसके घर पे चल रही है? Just give me a minute, okay? I am forming a statement. Okay, इसका आंसर निकालने है आपको. मैं आगे के स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसका तब तक आपको आंसर निकालना है. पता नहीं, निकाल के रखना है आंसर, निकाल के रखना है. Only two assignments we are having. Answer निकालने के बाद मुझे पूछना है कि मैं बताऊँ या नहीं, तभी मुझे बताना है. Can anyone? Yes, sir. पहले स्टेटमेंट का आंसर 103. ओके. 100. चलो जिसने भी 103. 105. बताओ पहले क्या किया इस? 103. पहले पहले ब्रैकेट. हाँ पहले ब्रैकेट. पहले मल्टीप्लिकेशन. क्या है उसका आंसर? 18. क्या किया? 20. ये बात क्या किया? 26 plus 8 plus 67. 26 क्यों किया पहले? इधर से क्यों नहीं किया? समझो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे. 26 क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया? कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कि गलत होगा सर आंसर मेरा, तो वो नहीं सोचना है. जो भी होगा मुझे बताना है, मैं उसको करेक्ट करूंगा. व्हाई डिड यू दिस एडिशन फर्स्ट एंड सर ब्रैकेट था तो ब्रैकेट के पास की साइन पहले ली हमने. ओके फाइन, चलो ठीक है. मैं बोलता हूँ उसको कि हम जो कैलकुलेशंस करते हैं हमेशा, अगर ब्रैकेट या कुछ उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, उसके पहले वाला ऑपरेशन नहीं होगा, तो हम लेफ्ट टू राइट करते हैं. ओके, हम क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट करते हैं. ऐसे नहीं कि ये किया तो नहीं सॉल्व होगा, होगा, ऐसे भी सॉल्व होगा, लेकिन ये क्या है, एडिशन को जो है ना प्रायोरिटी सेम है मल्टीप्लीकेशन और ब्रैकेट के बाद.
दैट्स व्हाई हमने क्या किया 18+8. अगर यहाँ पे ऐसी चीज होती थी ये अगर चीज होती थी तो फिर मैं क्या करता था, फिर मैं कैसे करता था वो बताता हूँ आपको. 18+8 Did you get that? Yes, sir. अभी यहाँ पे दो ब्रैकेट है लेकिन दो ब्रैकेट में मैं पहली वाली कौन सी करूंगा, ये वाली ब्रैकेट करूंगा लेफ्ट टू राइट. ओके, और इसमें थोड़ा सा डिटेल जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले होता है, उसके बाद में क्या होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है. पहले देख लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना डिवीजन को ऐसे डिनोट करते हैं, समझ लो मेरे बात. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिवीजन इसको कहते हैं. हमारे यहाँ पे कैसे होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके ऊपर और नीचे डॉट होता है. बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद प्लस या माइनस होता है. ओके, ये बात समझ. और इनके पहले ये ब्रैकेट भी निकाल देता हूं मैं, इसके पहले क्या होता है ये होता है ब्रैकेट. पहले ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में प्लस और उसके बाद में माइनस. स्क्रीनशॉट निकाल लो. सर माइक बंद करा लाओ प्लीज. का माइक चालू है सर, स्क्रीन दिसत नहीं है. दिसेल दिसेल. निकाल लिया स्क्रीनशॉट? यस सर. यहाँ पे प्लस प्लस ही है, यानी मैं किसी भी तरीके से करूंगा तो सेम ही आंसर आएगा. बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन से वे से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट. प्रेफरेंस प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. Preferences, preference. Okay, now what is mean by preference? Can anyone tell me? Pradhanya. Pradhanya. कसं ठरवणार? फॉर एक्झाम्पल आपण आपण जर म्हटलं प्राधान्य मला समजून घ्यायचं म्हणजे काय करायचं. Can anyone give an example? आधी त्यांना महत्व द्यायचं म्हणून ते चिन्हांसाठी वापरले जातो. बर बर ठीक आहे, मी जनरल लाईफ मधलं एक्झाम्पल विचारलं. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला प्रेफरन्स असं म्हणूया आपण, प्रेफरन्स, वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड दी प्रेफरन्स. ओके, सपोज टुमारो युअर पापा टेल दॅट आय विल गिव्ह यू ऑर आय विल बाय अ मोबाईल फॉर यू. ओके, तो युअर पापा इज आस्किंग दॅट कौन सा मोबाईल लेना है, वो बटन वाला लेना है या एंड्रॉइड वाला लेना है टच स्क्रीन, तो आप क्या बोलेंगे? एंड्रॉइड. क्यों आपने एंड्रॉइड को क्यों प्रेफरेंस दिया? अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड आई यूज, एंड्रॉइड को आपने क्यों प्रेफरेंस दिया? प्रेफरेंस यानी उसको महत्व क्यों दिया, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, टच स्क्रीन है, बटन है, कनेक्टेड रहते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा उसका मीनिंग है या उसका रीजन है. सो सिमिलर टू दैट, अगर हम किसी चीज को दूसरी चीज से पहले करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम प्रेफरेंस कहेंगे. ओके,
Did you get that? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेफरेंस हमने समझ लिया, उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना. क्या हम बोलेंगे, इवेल्युएशन. इस तरीके से करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, यानी इस साइड से लेके इस साइड तक का. ओके, अभी 88 और 77 इन दो तीनों के बीच में एक ही ऑपरेशन है प्लस, तो मैंने ऐसे भी किया ऐसे भी किया, सेम आंसर आवन. लेकिन हम कौन सा इवेल्युएशन का तरीका यूज कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट. यानी मैं क्या करूंगा, आम्हाला पण ऐकू येत आहे ते, तुमच्या घरातलं काय चालू आहे ते. क्या होगा इसका आंसर अभी, 103. समझ में आया कैसे इवेल्युएट किया इसको. यस सर. सो सिमिलर टू दैट इसको हमें इवेल्युएट करना है. अभी मैं इसको समझाऊंगा. पहले लेफ्ट टू राइट तो डिसाइड हो गया, बराबर है. लेफ्ट टू राइट ही इवेल्युएट करना है हमें, उसके बीच में कोई हमें कंफ्यूजन नहीं. लेकिन लेफ्ट टू राइट करते वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे, करू बाबा. आता माझ्या हातात नाही आहे ना तो माईक. एक तर सगळ्यांचं बंद केलं की मग तुम्हाला आन्सर नाही देता येणार. अभी क्या हो गया, ऑपरेशन इज सेम, प्लस ऑपरेशन. तो क्या करूंगा, पहले लेफ्ट टू राइट, 9 + 80 + 4. उसके बाद क्या आएगा, 89 + 4 + 90. Did you get that? Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड डिवीजन. अंडरस्टैंड. चलो सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करना है. यहाँ पे मुझे बताना है क्या सॉल्व करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, डिवीजन सर. हाँ तो लिखो क्या यहाँ पे, अभी क्या लिखो, 6 लिखो या क्या लिखो, -3 - 6 - 3 + 5 - 4 + 5 - 4 क्या लिखो, -3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
ऑन फ्राइडे, वो किस तरीके से करना है उसके स्टेप्स में ग्रुप पे डाल दूंगा, किस तरीके से मुझे भेजना है। अभी असाइनमेंट क्या है आपको, असाइनमेंट क्या है वो लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्रिएट एनी 10 क्या करते हैं आपको, 10 इवेल्युएशन स्टेटमेंट क्रिएट बोला है। ओके, जो स्टेटमेंट है ना इसे 10 बनाने आपको खुद के मन से, समझ में आया, और उसका आंसर भी लिखना है कैसे इवेल्युएट किया है वो भी आपको लिखना है। ओके, कितने बोले हैं, 10। डिड यू गेट दैट?
स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो कैसे बनाना है उसका. हेलो सर. हेलो सर. सर वर्ड वर क्रिएट केला काही करा, वर्ड वर करा, तुमच्या पेजेस वर करा, म्हणजे जे डायरेक्टली आपकी जो नोटबुक्स के पेजेस रहते उसके ऊपर भी किया तो चलेगा, वर्ड में किया तो भी चलेगा, एनीवेयर दीवार पे किया तो भी चलेगा, फोटो निकाल लो दीवार पे करने के बाद. ओके सर, थैंक यू सर. नो रिस्ट्रिक्शन स्टडी करने के लिए. 2 मिनट आपने बेस के पेट के ऊपर या पीठ के ऊपर लिख के करते थे, वैसे भी किया तो चलेगा, फोटो निकालो से. I will tell you how to send the assignment. Today I do not know the way how to upload the assignment in Microsoft Teams. उसका जो भी तरीका है मैं उसके steps आपको बताऊंगा और उसके बाद में आपको upload करना है. हमारा Friday को lecture है, Friday को lecture है तो हम Thursday को मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको, तब तक आपको वो evaluate करके रखना है. Now the most important part is किसी के भी statement same आने नहीं चाहिए. इवेल्युएशन स्टेटमेंट जो है वो ऐसा का ऐसा दो लोगों का आना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद के मन से कर रहे हो तो वो कभी एग्जैक्टली सेम आ ही नहीं सकता है, कि नंबर भी सेम ले लिया, ऑपरेशन भी सेम ले लिया और स्टेप्स भी सेम ले लिया. डिड यू गेट मी? यस सर. यस सर. मुझसे करना है, दोस्त की हेल्प लो, सॉल्व करने में दोस्त की हेल्प लो, नो वरी. स्टेटमेंट खुद बनाने तो इवेल्युएट करते वक्त दोस्त की हेल्प लो, बट स्टेटमेंट खुद बनाने, ये बनाने में तो कुछ पैसे नहीं लगते है ना, या कुछ दिमाग नहीं लगेगा ज्यादा. नई दिमाग लगाना है तो गूगल पे जाओ और ऐसे छोटे छोटे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ढूंढो. अभी देखो इसका भी मैं आपको बोल देता हूँ, ये कॉपी किया मैंने. देखो मैं हर चीज आपको बता सकता हूँ. देखो आपको अगर आपका आंसर चेक करना है तो ऐसे सिर्फ गूगल में पेस्ट करो, आपको आंसर क्या मिल गया? डिड यू गेट द आंसर? करेक्ट आया नहीं आया? आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन उसके स्टेप्स आपको ढूंढने पड़ेंगे. फिर अगर आपको चेक करना है कि आपने जो स्टेटमेंट बनाया था उसका आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यू कैन गेट कैसे वो करेक्ट आएगा, उसके लिए कुछ दोस्त की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. सर एक बार फिर से बताओ ना. क्या? ये जो आपने अभी बताया. कुछ नहीं, जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है ना उसको कॉपी करो. ये देखो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने कॉपी किया. क्या करना है आपको? google.com गूगल पे जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, यू विल गेट द आंसर. सर यस सर, हमने एक स्टेटमेंट, सर हमने जो एक स्टेटमेंट लिया है उसमें डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही लिए तो चलेगा क्या? कुछ भी बनाओ आपको आंसर मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आ रहा है, कुछ भी बना सकते हो, ऐसे है ही नहीं कुछ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है. आंसर आएगा. हाँ बोलो. हेलो सर, वो फ्रेश ब्रांच पर ले डिवीजन आना चाहिए, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन में बोर्ड मास के हिसाब से. ठीक है चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको वैसे डिसाइड करना है ना. एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों चीजों को सेम प्रेफरेंस है. यू कैन से दैट डिवीजन हैज द अपर हैंड टू मल्टीप्लीकेशन. डिवीजन पहले होता है आप बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो बात को समझो. अगर गूगल पे बताया है कि ये आंसर, इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो आपके स्टेप्स के हिसाब से भी यही आंसर आना चाहिए. चलेगा, स्टेटमेंट खुद बनाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट मत बनाओ. ओके सर, 10 हो गए, समझ में आ रहा है?
कम से कम इवेल्युएशन में कितने स्टेप्स आने चाहिए, इतने तो भी आने चाहिए, चार से पांच स्टेटमेंट इवेल्युएशन जब हम करेंगे तो उसके चार से पांच स्टेटमेंट आने चाहिए। ये देखो अभी हमने चार चार स्टेप्स में उसको सॉल्व कर लिया। ओके ऑल ऑफ यू गेट व्हाट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट टू डेज? यस सर। यस सर। जस्ट गिव मी अ मिनट टू टेक द अटेंडेंस। सर पहली वाली असाइनमेंट भी आपको सेंड करनी है ना? हाँ मैं तरीका बताऊंगा कैसे सेंड करना है। Okay, so have a good week and if you have any query regarding this lecture you can call me on the given number. Okay sir. Thank you sir. Okay sir, thank you sir.